कमरा नंबर 203 में युवती के कत्ल का राज खुला। आरोपी बॉयफ्रेंड इस बात से था नाराज। बीते दिनों दिल्ली के होटल में एक लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने लाश की शिनाख्त के बाद मामले की जांच शुरू की। लड़की के परिजनों ने उसके बॉयफ्रेंड पर शक जताया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की। आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दिल्ली के होटल में लड़की का कत्ल करने वाला आरोपी उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शिवम चौहान नाम के आरोपी को पकड़ा है। शिवम गाजियाबाद का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी शिवम ने बताया कि पिछले 4 साल से वह लड़की के संपर्क में था, लेकिन इसी दौरान लड़की की उत्कर्ष नाम के लड़के के साथ दोस्ती हो गई, जो उसे पसंद नहीं था। जानकारी के अनुसार जिस समय शिवम और लड़की होटल के कमरे में थे, उस समय लगातार उत्कर्ष का फोन आ रहा था। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। झगड़ा इतना बड़ा कि शिवम ने लड़की का सर फर्श पर दे मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एयरपोर्ट के सामने महिपालपुर के एक होटल के कमरा नंबर 203 में 25 साल की लड़की की लाश मिली थी। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ 25 फरवरी को होटल में आई थी। 27 फरवरी को दिन में लगभग 3 बजे रूम सर्विस ने कमरा खोला, देखा अंदर, देखा तो लड़की की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसका बॉयफ्रेंड कमरे से फरार था। घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात की। कमरे में शराब की बोतलें थी। मृतक का परिवार किशनगढ़ का रहने वाला है। लड़की 25 फरवरी को घर से निकली थी। इसके बाद से इस लड़की का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। परिवार वालों को लगा कि वह शिवम के हमेशा की तरह परिवार वाले निश्चित थे, लेकिन 27 फरवरी की शाम पुलिस का कॉल जब परिवार के लोगों के पास आया तो वो घबरा गए। पुलिस ने परिवार के लोगों को महिपालपुर के इसी होटल में बुलाया, जहां मृतक की बहनों ने लाश की पहचान की थी। लड़की के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा शादी की बात कहती थी और शिवम शादी की बात को टालता था। परेशान होकर बॉयफ्रेंड ने उसकी। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली समाचार।